हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है होलिका दहन, तो होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और होली आप लोग कब मना रहे हैं, क्योंकि 25 को भी है, 26 को भी है, अभी तो कुछ पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी पूरा किचन में तैयारी में लगी हुई हूँ, जो आज बनता है पकौड़ी और हर चीज़ का, पकौड़ी आलू का, बैंगन का, जितना भी बना लो उतना कम है, और कढ़ी चावल ये सब बनता है। तो आप लोग के घर में होलिका दहन क्या क्या बनता है? हम लोग का ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है, बस पूजा कर लेते हैं और रात में होलिका दहन में वो गुड़झंगड़ी होता है ना, तो वही शायद जला के सब बच्चे लोग वही उसका जला हुआ होलिका दहन का गुड़झंगड़ी खाते हैं, कि दूध दाना ही रात में जहाँ जलता है। बाकी ऐसा हम लोग का कोई नियम नहीं है, बस खाली इसमें खाना है, खूब खाना है, बनाइए और खाइए, खूब खाइए, ऐसा कोई नहीं है। जैसे दूध का पूजा होता है तो सही होता है, अबीर चढ़ाया जाता है, तो हम लोग का शिवरात्रि में अबीर चढ़ता था, तो शिवरात्रि तो हम लोग करते नहीं हैं, तो इसलिए होली में हम लोग अबीर चढ़ाएंगे भगवान को। बस यही नियम है। और बस रात में होलिका दहन में जहाँ भी यहाँ पर मोहल्ला में होता है वहाँ जाके बुढ़ी को जलाया जाता है, और उसी में सब चर्चा दो दो दाना जितना भी उसमें सब गया वो सब खा लेते हैं, बाकी वैसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ मैं पूरी लगी हुई हूँ, ये देखिए सब चीज़ का कट कर लिया है, प्याज और बेसन सब घोल के रख लिया है, ये सब घोल लिया है, तेल भी चढ़ा दिया है, तो अब जा रही हूँ, ये सब कर लूँगी, उसके बाद कढ़ी बड़ी बनाऊँगी। और दाल बच्चों लोग का भी मैंने बनाया, क्योंकि बच्चे लोग कढ़ी बड़ी नहीं खाएंगे, मैं और पापा केवल खाऊँगी बस, इसलिए वो थोड़ा सा ही बनाना है। फिर आज दही भल्ला भी बनाना है, तो वो बाद में करूँगी, पहले खाना का तैयारी सब कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। और 10 बजे मुझे सृष्टि का कॉपी किताब भी लाने जाना है, स्कूल में मिल रहा है तो वो भी लाने जाना है। तो चलिए जल्दी काम में लगते हैं, क्योंकि आज काम बहुत है, क्योंकि आज तो किचन में ही सारा दिन बीतने वाला है, खाली तेल में छानने वाला चीज़ ही बनता ही रहेगा। बाकी मैंने जितना भी स्नैक्स सब होता है सूखा चीज़, वो तो कल ही बना लिया था, रात में मैं बना के ही पूरा निश्चिंत हुई थी, पूरा कल रात में ही, यही थोड़ा थोड़ा करके नहीं बनाने से एक बार में पड़ जाता है। तो चलिए कोई नहीं, बन गया, सब हो गया, चलिए फिर लगते हैं काम पर। तो यहाँ पर मैं पकौड़ी छाना स्टार्ट कर दी हूँ, तो इसमें मैंने बैंगन और आलू दोनों का पकौड़ी छान रही हूँ। और सुबह में तो सब हल्का हल्का यही कर लेंगे, बाद में मैं चावल कढ़ी से बनाऊँगी। और ये लोग तो कढ़ी नहीं खाएंगे, तो इन लोग का मैंने दाल बनाया है चना दाल, तो उसे बाद में तड़का लगा दूँगी, और पकौड़ी जो रहेगा वो सब खा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याजी भी सब छान के रखा हुआ है, और ये छोटा छोटा जो प्याज काटा है ये वो हरा चना का पकौड़ी बनेगा, जो जिसे भबरा भी बोला जाता है, तो वो भी बनेंगे। तो ये सब सुबह से मैं लगी हुई हूँ। मामी क्या कर रही है किचन में, क्या कर रही है मामी? कढ़ी बना रहे हैं, मैं सुबह से जो यहाँ पर हूँ यहाँ से मैं यही से यही पे आप लोग से बात किया था ना, सुबह लगूंगी, मैंने बोला भी था आप लोग से कि मैं किचन में ही आज दिखने वाली हूँ, तो सुबह से अभी मैं तड़का ही कर रही हूँ, कढ़ी कढ़ी बनकर कढ़ी तड़का, अच्छा दाल छौंक रही हूँ। तो मैं एक घंटा के लिए, मैंने कहा था ना बुक लेने जाना, तो उसके लिए गई थी, इसलिए काफी लेट हो गया, खाने का टाइम हो चुका है, और फिर अभी वही हालत हो गया। और इसके लिए मैं रेसिपी सब कोई आप लोगों को शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी शेयर करूँगी तो और लेट हो जाएगा। वैसे ये सब मैंने पहले भी बनाया था आप लोगों के साथ शेयर किया है, चलिए मैं जानती हूँ आप लोग भी सब बिजी होंगे, कमेंट में बताइएगा आप लोग ने क्या क्या बनाया था होली वाले टाइम पे। होली क्या मतलब होली का दिन। ये कढ़ाई पर मत जाइएगा गाइस, क्योंकि मैं ये तलने के लिए मैं इसे रखती हूँ, इसमें मेहनत नहीं पड़ता है साफ करने में, हम भी बोलने वाले थे, इसलिए कढ़ाई पर नहीं जाइए, क्योंकि आज के दिन बहुत सब कढ़ाई व्यस्त है, आज के दिन ऐसे भी ना तेल वाला बहुत रहता है, तो अच्छा वाला कढ़ाई पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं इसे रखती हूँ खासकर तलने के लिए, ताकि कढ़ाई में ज़्यादा मेहनत ना पड़े। तो ये मैं तली से तड़का दे रही हूँ, टमाटर मैंने नहीं डाला है क्योंकि इन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए सिंपल सा मैं तड़का दे रही हूँ। उसके बाद जल्दी से मैं
चावल चढ़ा दूंगी और कढ़ी बाकी है और खाने का समय हो गया है। कर रहे होंगे किसी खाने का टाइम पूरा हो चुका है, सबको इंतजार, भूख भी लगी हो क्योंकि सुबह से सब केवल पकौड़ी खाए और सच में सबको बहुत भूख लगी होगी। अभी बजने वाला है एक बजे में सबको खाना दे देती थी पर अभी तक बना नहीं है। कोई नहीं, होली में हो जाता है लेट। कितना सारा प्रकार का पकौड़ी बनाते अभी दही बड़ा तो छानना बाकी है, अभी मैंने पीसा भी नहीं है, उसे फ्रिज में रख दिया है। तो यहाँ कढ़ी उड़ी बन गई थी, सबने खाना खा लिया है, तो यहाँ तक पूरा भरी हुई कढ़ाई थी तो जो खाली हो गई, तो यहाँ मैं अब खाने जा रही हूँ। मैं पहले चावल पर ले रही थी, फिर मैंने कटोरा पर लिया कि अच्छे से खाऊंगी। तो ये देखिए इतना सब बचा हुआ है, तो रात में काम आ जाए क्योंकि रात में मुझे अभी दही बल्ले छानना है, मतलब उसका पकौड़ी दही बड़ा का छानना है। तो फिर ये शाम का समय है, तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया, तो इसमें मैंने जीरा सोडा और अदरक पीस लिया था दाल में ही, और उसके बाद मैंने बहुत फेटा था इसे। तो फेटने के बाद जब तक पानी में तैरा नहीं तब तक मैं इसे फेटते रह गई थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सोडा भी डाल दिया है। उतना डिटेल में सब रेसिपी नहीं कर पा रही हूँ, कढ़ी भी मैंने नहीं किया क्योंकि इतना काम हो जाता है सुबह से, मैं किचन में थी तो फिर ये मैं थक गई थी, तो दिन में थोड़ा सा मैंने आराम किया, उसके बाद मैं फिर शाम में बनाने लगी। शाम में ही मैंने पीसा, मैं फ्रीज में डाल दिया था मैंने, तो वही मैं दिखा रही थी सब कि इसमें सारा चीज़ मिलाने के बाद मैं अब इसे तलने जा रही हूँ। शाम में केवल मुझे रोटी बनाना है इसलिए मैंने सोचा यही काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे जा रही हूँ छोटे छोटे ही करने, क्योंकि फूल के थोड़ा ये बड़ा हो ही जाएगा, बाकी जब तैयार करूँगी उसके बाद मैं फिर दिखाऊँगी। तो ये मैं तल रही हूँ, तो ये देखिए कितना अच्छा हल्का हल्का बहुत ही बना था, बहुत ही सॉफ्ट बना है, क्योंकि ये जितना फिटाता है उतना ये हल्का बनता है, पीसने के बाद ही मैंने इसे बहुत ही फेटा है। तो बाहर में वो अगजा के लिए जो होलिका दहन के लिए मांगने आते हैं ना, अगजा जलाने के लिए, वही सब घूम रहे थे, तो बीच में अचानक ढमढम बजने लगा, तो वो मैं आप लोग को दिखा रही थी। बाकी मैं जब सर्व करूँगी तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का वीडियो है क्योंकि रात मैंने आप लोग को छानने तक का ही दिखाया था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं अब कल इसे दिखाऊंगी सर्व करके प्लेट में। तो सब सुबह जब मैं उठी तो इसे मैंने गर्म पानी में डाल दिया था 1 घंटा के लिए, तो ये बिल्कुल अब सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं इसे पानी से अब निकाल दे रही हूँ क्योंकि ये पूरा सॉफ्ट हो चुका है, तो हल्के हल्के हाथों से दबा के मैं इसका पानी निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा दबाऊंगी तो ये पूरा चूर हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो प्लेट में अब इसे सर्व करके भी दिखाते हैं, क्योंकि मैंने केवल छानते हुए आप लोग को दिखाया था, और ये मेरे हाथों में कुछ कलर दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा हम लोग का अबीर हो चुका है सुबह में, इसीलिए मेरे हाथों में अबीर दिख रहा है। तो मैं इसे आपको प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि सबका अपना बनाने का तरीका होता है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पानी से निकालने के बाद मैं यहाँ पर दही फेंट ले रही हूँ अच्छे से, तो इसमें मैंने हल्का चीनी डाला, दही ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा काला नमक भी मैं डालूँगी इसे फेंटने के बाद अच्छे से। और ये सब सारा मसाला जो मैंने तैयार करके रखा था तो यही सब मसाला डालूँगी। तो दही को मैं फेंट ले रही हूँ अच्छे से ताकि इसमें गांठ ना हो, ये सब ना हो, इसलिए पूरा एक जैसा लगे, पूरा मिला हुआ, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा। दही बड़ा में भी तो यही होता है कि सब एक साथ मसाला डाल दो और इसमें दही बड़े को डाल देना रहता है। तो ये देखिए मैं इसमें दही डाल दे रही हूँ, तो मेरे दही में थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, इस कारण से दही थोड़ी पतली लग रही है, तो मेरे पास पैकेट वाली भी है। तो ये देखिए मैंने दही बल को पूरा दही से ही कर दिया है, तो अब मैंने जो इमली चटनी बनाया था तो वो डाल दे रही हूँ। अब धनिया पत्ता की चटनी भी डाल सकती है, मैंने नहीं डाला, मेरे पास धनिया पत्ता थी मैंने, पर चटनी बनाया ही नहीं, मैं थोड़ा सा आलस कर गई, मैंने थोड़ा सोचे कि चलो अब हो जाएगा, इसी में टेस्टी बन जाएगा। उसके बाद मैं काला नमक डाल रही हूँ, उसके बाद भुना हुआ मैंने जीरा डाला है, फिर लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, चाट मसाला अगर ऑप्शनल है आप डाल भी सकते हैं, अगर आप लोग को पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं। यहाँ मैंने लाल मिर्च भी डाल दिया है। तो ये मेरी दही बल्ले तैयार हो चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट, मैं बोल नहीं रही, मैं आपको कट करके भी दिखा दूँगी, बहुत ही अच्छी बनी है।
तो ये रहा मेरा दही बल्ला तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अब होली ब्लॉग आएगा जिस दिन हम लोग होली खेलेंगे। ये होलिका दहन का दिन का है और ये इसके दूसरे दिन का है यानी कि 25 आज। हाँ जी, मैं 25 आज मतलब सुबह का है क्योंकि मैं ये होलिका दहन के दिन केवल दही बड़ा बनाई थी, उसके बाद ये सर्व जो कर रही हूँ ये उसके सुबह का है। तो बहुत कोई आज के दिन भी होली मना रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा सा खेले थे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।